टिकटॉक को आप भली भांति जानते ही होंगे। पिछले कुछ दिनों से भारत में इस चीनी कंपनी को लेकर बवाल मचा हुआ है। भारत के युवा वर्ग के लोग इस चीनी ऐप का बहिष्कार करने में लगे हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारतीयों ने इस ऐप का ऐसा बैंड बजाया है कि रातों रात इसकी रेटिंग जमीन में धस गई है। दरअसल ये सब हुआ है भारत के यूट्यूबर कैरी मिनाटी के एक वीडियो से, जिसने टिकटॉक को लेकर एक रोस्ट वीडियो बनाया था, जिसने भारत में सबसे कम समय में सर्वाधिक लाइक और व्यूज पाने वाली वीडियो के रूप में इतिहास रच दिया था, लेकिन यूट्यूब ने इसे डिलीट कर दिया था। इसके बाद टिकटॉक को लेकर तो जैसे बवाल मच गया, लोगों ने धनाधन अपने मोबाइल से इस चीनी ऐप को हटा दिया और रेटिंग डाउन करने लगे। अब भारत में इसके बहिष्कार के बाद चीन में भी इस ऐप का दिवाला निकल गया है। अब ये कंपनी चीन से भी भागने की सोच रही है। चीन को छोड़कर भागने में है टिकटॉक। अपने वाहियात कंटेंट को बढ़ावा देने से लेकर आतंकवाद, अश्लीलता और यहां तक कि अनेक प्रकार के अपराध को प्रमोट करने को लेकर टिकटॉक को भारत में विशेष रूप से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा टिकटॉक का चीनी एंगल भी उसके लिए मुसीबतों को और अधिक बढ़ावा देने वाला है। अब मीडिया की माने तो टिकटॉक ऐप चीन के प्रभाव को कम करने के लिए सभी प्रयास करने को तैयार है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में लिखा गया है कि टिकटॉक का स्वामित्व संभालने वाली कंपनी नाइट डॉन जल्द ही अपना बोरिया बिस्तर समेटकर चीन से निकलने वाली है। दरअसल इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि जिस तरह से भारत ने चीन के कारण टिकटॉक का बहिष्कार किया है, उससे कंपनी की साख को बट्टा लग गया है। इसलिए टिकटॉक कंपनी ने तय किया है कि किसी दूसरे देश में इसे स्थापित कर चलाया जाएगा। वहीं दूसरा कारण है चीन जनित महामारी, जिसे दुनिया के सभी देश चीन की कंपनियों का बहिष्कार करने में लगे हुए हैं। इसलिए टिकटॉक कंपनी ने समय रहते ही चीन को छोड़ने का फैसला ले लिया है। टिकटॉक कंपनी पर चीन का अधिक प्रभाव। इसके अलावा टिकटॉक पर चीनी प्रभाव इस हद तक है कि चीन की सरकार यह ऑर्डर दे सकती है कि क्या वह कंटेंट चला सकती है और क्या नहीं। द गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे चीन टिकटॉक पर कोई भी ऐसा कंटेंट हटाने की क्षमता रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, टिकटॉक ने भारत में भी अच्छा खासा बवाल मचा कर रखा हुआ है। लड़कियों से दुर्व्यवहार को बढ़ावा देना हो, आतंकवाद का समर्थन करना हो या फिर धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना हो, आप बस बोलते जाइए और टिकटॉक पर सब कुछ मिल जाएगा। इन्हीं कारणों की वजह से टिकटॉक पर मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ समय के लिए बैन लगा दिया था, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा था। हालांकि अभी भी टिकटॉक पर वाहियत कंटेंट धड़ल्ले से भारत में स्ट्रीम किया जा रहा है। टिकटॉक वैसे भी बेहद अश्लील, फूहड़ और ऐसी भ्रामक खबरें फैलाने का रास्ता टिकटॉक वैसे भी बेहद अश्लील फूहड़ और ऐसी भ्रामक खबरें फैलाने का सबसे सस्ता और वायरल माध्यम बन गया है। विडंबना तो ये है कि टिकटॉक पर प्रसारित कोई भी वीडियो बहुत ही कम समय में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। ऐसे में यदि फूहड़ कंटेंट बनाने वाले लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई तो यह स्थिति हद से अधिक बिगड़ सकती है। इसलिए बाइट डांस ने अपने ऑपरेशन चीन से हटाकर सही दिशा में एक अहम कदम लिया है।